राजनांदगांव में मिले अज्ञात व्यक्ति के शव की मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। ये पूरा मामला खुदकुशी का नहीं बल्कि हत्या का निकला। पुलिस ने हत्या के साजिश के मास्टरपीस समेत चार आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीं एक आरोपी अब भी फरार चल रहा है। राजनांदगांव में सुरेश राइस मिल के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया था। अब पुलिस ने इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाते हुए बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि मृतक का नाम सुरेश कुमार जोशी है। पांच लोगों ने मिलकर हत्या की साजिश रची और उसे थम्सअप में जहर मिलाकर पिला दिया। हत्या करने के बाद आरोपियों ने मृतक के शव के पास झूठा सुसाइड नोट छोड़ दिया था और इस पूरे मामले में ज्ञानचंद बाफना नामक व्यक्ति को झूठा फंसाने की कोशिश की। पुलिस ने हत्या का मास्टरमाइंड समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी अब भी फरार है जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। 20 तारीख को पुलिस को बड़ी नाला के पास एक बॉडी मिली थी जो 8:30 बजे सुबह सूचना मिली थी। उसके ऊपर मर्द कायम कर उसी समय उसको जांच में लिया गया था, जिसमें मृतक का नाम सुरेश जोशी, पिता मदन लाल जोशी, उम्र 52 वर्ष, ये अरिहन टावर मानव मंदिर के पास रहते थे। इनका शव शिनाख्त हुआ था। शव के साथ में एक सुसाइड नोट भी हैंड रिटन मिला था, जिसमें उनके जो मालिक थे जहाँ पे वो काम करते थे ज्ञानचंद बाफना, उनके और उनके परिवार के विरुद्ध उसमें लिखा था। उसके दो दिन बाद 24 तारीख को ज्ञानचंद बाफना के पास में एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें उनसे एक्सटॉर्शन की एक चिट्ठी होती है, जिसमें एक और हैंड रिटन नोट होता है जिसमें उनके परिवार के खिलाफ में लिखा होता है कि उनके परिवार की वजह से जो मृतक है उन्होंने आत्महत्या की, ऐसे लिखा होता है। तुरंत जो टीम है हमारी, जो साइबर टीम, एक स्पेशल टीम बनाई जाती है और उसको जो चिट्ठी का पूरा जो मिलना और पूरा जो रूट है उसको शिनाख्त कराया जाता है, जिसके बाद कल ही जो शाम तक हम लोग को एक बड़ी सफलता इसमें मिलती है, जिसमें हम चार लोगों को गिरफ्तार करके हमें पूरे मामले का इसमें खुलासा होता है, जिसमें दयाराम साहू, मनीष पटेल, नितेश सेन और प्रमेंद्र निर्मलकर, ये चार लोगों को हमने पकड़ने में सफलता मिली है। हम लोगों को इनके पास से हम लोगों की बाइक भी मिली है जो उपयोग हुई थी। साथ में जो घटनाक्रम इन्होंने बताया वो ये था कि 21 तारीख को शाम को करीब 5 से 6 बजे के बीच में इन्होंने प्रकाश गोलचा, जो कि मुख्य इनका मास्टरमाइंड है इस घटना का, उसके फार्म हाउस पर यह घटना कारित हुई है। इन्होंने जो मृतक है सुरेश जोशी, उसको ये प्रमेंद्र अपनी बाइक पर लेकर गया और वहाँ पे जाके बाकी दोनों की मदद से, दयाराम साहू और मनीष कुटेल की मदद से, और प्रकाश बोलछा भी वहाँ पर उपस्थित था, उसकी मदद से इन्होंने थम्सअप में कीटनाशक मिलाया और कीट वो ज़बरदस्ती उसको पिलाया गया और उसके करीब 1 घंटे बाद उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद में प्रकाश बोलछा अपनी गाड़ी में डेड बॉडी को लेके आए और वहाँ पर डेड बॉडी को परीनाला के पास प्लेस किया ताकि उसको ऐसा दिखा सके कि, और उसमें हैंड रिटन नोट प्लेस किया गया ताकि उसको ऐसा दिखाया जा सके कि वो आत्महत्या है और जो उनका टारगेट है ज्ञानचंद बाफना, उनसे पैसा एक्सटोर्ट किया जा सके और उनकी छवि को धूमिल किया जा सके। इसमें प्रकाश गोलछा अभी फरार है, जिनको जल्दी पकड़ लिया जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।